हेलो क्लास, फाइनल ईयर के पेपर में अपने ऑडिटिंग चैप्टर के ऑडिटिंग पेपर में अपना इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक टॉपिक चल रहा है, जिसमें कल हमने आंतरिक जांच के बारे में पूरा डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि कैसे आंतरिक जांच संस्था की कार्यों में त्रुटियों और कपट को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और आंतरिक जांच के क्या लाभ या क्या उसकी सीमाएं होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनल कंट्रोल यानी आंतरिक नियंत्रण क्या होता है। आंतरिक नियंत्रण एक कंपनी द्वारा कार्यान्वित तंत्र, मैकेनिज्म, नियम, रूल्स और प्रक्रियाएं हैं। एक प्रोसेस है जो वित्तीय और लेखा जानकारी की अखंडता सुनिश्चित करने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत कोई भी कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी में फ्रॉड्स, कपट, गलतियों को कम से कम करने के लिए उन रूल्स को फॉलो करती है जो उस कंपनी की अखंडता को बनाए रखते हैं। कानून और विनियमों का अनुपालन करने और कर्मचारियों को संपत्ति चोरी करने या धोखाधड़ी करने से रोकने के अलावा, आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो सही बनाए गए नहीं बनाए, और समयबद्धता में सुधार करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। और इंटरनल कंट्रोल करने से इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने में मदद मिलती है। इंटरनल कंट्रोल इंट्रोडक्शन। इंटरनल कंट्रोल एज डिफाइंड इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एश्योरिंग अचीवमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स इन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्स विद लॉज, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व्स एवरीथिंग दैट कंट्रोल रिस्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि भी अपनी संस्था के जोखिमों को कम करने के लिए कानूनी कायदों को फॉलो करते हुए अपनी संस्था के कार्यों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। और यह जो आंतरिक नियंत्रण होता है, ये किसी भी संस्था के लेखा पुस्तकों को सही तरीके से ऑथेंटिक और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स। संस्था में इंटरनल कंट्रोल, जिसमें हम निर्देशन करते हैं, परीक्षण करते हैं, जिस तरह से परीक्षाओं में किया जाता है, तो उससे क्या होगा, जैसे नकल परीक्षाओं में कम मारते हैं उसी तरह से, या नाम मात्र होती है या नहीं भी हो क्योंकि वहाँ पर परीक्षक है, तो उसी तरह से ये भी डिटेक्ट करते हैं कि भाई काम सही तरीके से कंपनी के एम्प्लॉयज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जब निरीक्षण में होंगे तो वो धोखाधड़ी भी करने से डरेंगे, और अगर करते हैं तो उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है कि कानूनी दंड व्यवस्था भी दी जाती है। इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल आर द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्डरली एंड एन एफिशिएंट मैनर। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत संस्था के जो प्रबंधक वर्ग होता है, वो अपनी संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका इस तरह से संगठन करते हैं, अपनी संस्था के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को काम करने का तरीका समझाते हैं कि संस्था एक सही तरीके से काम करती है। और वो ये भी एश्योर करता है इंटरनल कंट्रोल कि संस्था के जितने भी प्रबंधकीय वर्ग है या प्रबंधक कार्य कर रहे हैं, वे सब संस्था के नियमों को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल के तरीके जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है इंटरनल कंट्रोल करने का जो तरीका है उसमें एक आता है इंटरनल चेक, जो कि हमने कल पढ़ा था कि आंतरिक जांच, आंतरिक नियंत्रण जो होता है वो दो तरीकों से किया जाता है, एक आंतरिक जांच के माध्यम से और एक आंतरिक अंकेक्षण के माध्यम से। जांच का जो तरीका होता है या आंतरिक नियंत्रण का जो तरीका है, जिसमें हमने पढ़ा था, एक होता है इंटरनल चेक जो हमने कल भी पढ़ा था, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब आंतरिक नियंत्रण करने का एक तरीका मान सकते हैं,
आंतरिक जांच करना। आंतरिक जांच में कल हमने यही पढ़ा था कि किस तरह से संस्था के एम्प्लॉयज अपने जितने भी बैंक ट्रांजेक्शन और लेखा पुस्तकों में किए जाने वाले लेखे होते हैं उनकी दोबारा जांच करता है, जो उसके द्वारा ना होकर किसी दूसरे एम्प्लॉयज द्वारा की जाती है, जिससे वो आश्वस्त हो जाते हैं कि उन्होंने कोई काम में गलती तो नहीं की, और अगर गलती निकल जाती है तो उसे सुधार भी सकते हैं। इट ऑल्सो एश्योर्स एफिशियंसी ऑफ द अकाउंटेंट सिस्टम फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनेबल ईजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई वो जो काम कर रहे हैं उसमें एश्योरिटी आ जाती है, एफिशिएंसी भी आ जाती है, काम सही ढंग से करना वो सीख जाते हैं और फाइनल अकाउंट्स बनाना भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट अपना जो आंतरिक नियंत्रण का तरीका है उसे अपन इंटरनल ऑडिट कहते हैं। वो क्या होता है? आंतरिक अंकेशन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आंतरिक नियंत्रण करने का। इन दिस इंटरनल ऑडिट विच ऑपरेट्स एज अ सेपरेट यूनिट, ये एक अलग यूनिट होती है, एक अलग विभाग हम मान सकते हैं, अंडर द CEO, जो कि संस्था का जो सबसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा एक बनाया हुआ एक सेपरेट यूनिट होता है, एंड रिपोर्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो उसकी रिपोर्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी संचालकों की एक मंडल होता है उस मंडल के पास इस सेपरेट यूनिट द्वारा रिपोर्ट जाती है कि कार्य किस तरह से किया जा रहा है। द इंटरनल ऑडिट सपोर्ट्स द ग्रुप्स मैनेजमेंट इन डायरेक्टिंग ऑपरेशंस बाय इंस्पेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। संस्था के जो मैनेजर्स होते हैं जो कि इंटरनल कंट्रोल कर रहे होते हैं वो इंटरनल कंट्रोल के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं जिसमें इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट आती है, इसमें उनका पूरा सपोर्ट होता है ताकि वो संस्था के कार्यों का अच्छे से मूल्यांकन कर सके। रिस्क मैनेजमेंट, संस्था के लिए जो जोखिम होते हैं उनका प्रबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आंतरिक कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, एंड बाय प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकमेंडेशंस टू इन्हांस एफिशिएंसी। जो रिपोर्ट एक सेपरेट इंटरनल ऑडिट के दौरान दी जाती है उसमें इन्हीं सभी बातों का उल्लेख हो रहा होता है कि संस्था के कार्यों का मूल्यांकन करना, संस्था की जोखिमों का प्रबंध करना, आंतरिक नियंत्रण करना और संस्था के संबंध में सभी प्रकार की जानकारियां, रिकमेंडेशंस, सुझाव देना ताकि संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके, इसके संबंध में सारा सुझाव इंटरनल ऑडिट में दिया जाता है। द इंटरनल ऑडिट ऑल्सो स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। जहां हमने पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट शामिल की होती है, तो इन सभी के अलावा और कौन सा क्षेत्र इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत आता है जिसके तहत संस्था अपने अपने कार्यों को गलतियों से, समस्याओं से, धोखाधड़ी से, कपट से, त्रुटि से बचा सकती है। इंटरनल कंट्रोल्स एनकंपासेस अ सेट ऑफ रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोड्यूसेस एन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट्स टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। अब संस्था के जो नियम होते हैं, संस्था की जो पॉलिसीज होती हैं उनको फॉलो करना होता है और संस्था को हर काम करने वाले व्यक्ति को इन सभी रूल्स पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। अब इसको फॉलो करने से क्या होगा? इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर रिलायबल। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसी होगी? रूल्स के अकॉर्डिंग अगर अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट सही आती है कि नहीं आती है? तो रूल जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी काम आता है, तो यही रूल्स रिपोर्ट्स तैयार करते वक्त भी काम आएगा। इट्स ऑपरेट्स एन इफेक्टिव एंड एफिशियंट कार्य, जितने भी वर्क होते हैं वो इफेक्टिव, प्रभावशाली और बिल्कुल सही और सटीक होते हैं। इट्स एक्टिविटीज कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, जितने भी काम किए जाते हैं वो सभी संस्था में रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका काम आता है रिस्क असेसमेंट, जोखिमों को ढूंढना, जोखिमों को कम करना, कंट्रोल एक्टिविटी, नियंत्रक की सभी क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है, परफॉर्मेंस रिव्यूज के कार्य, जो काम एम्प्लॉयज कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनके कार्य निष्पादन कैसा है इसके संबंध में सारे सुझाव देना, द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम, सारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है जो कि ऊपर से नीचे के क्रम में चलता है और नीचे से ऊपर के क्रम में चलता है, यानी कि बड़े अफसरों से नीचे के अफसरों तक जो आदेश जाते हैं और जिस तरह से नियंत्रण किया जाता है और समस्याओं को नीचे के क्रम से ऊपर तक पहुँचाया जाता है, तो ये सारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इसको संभालना भी इंटरनल कंट्रोल में
शामिल किया जाता है। मॉनिटरिंग करना हमने पहले भी पढ़ा है, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, मेजरिंग, ये सारे कार्य इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत किए जाते हैं।